अगर इमाम की आवाज़ किसी वजह से पस्त हो या मुक्तदी ज़्यादा हो तो इमाम की तकबीरात लोगों तक पहुंचाने के लिए किसी को बतौर मुकबर मुकर्रर किया जा सकता है। हमारे यहाँ अक्सर होता है कि लाइट चली जाती है जिसकी वजह से स्पीकर काम नहीं करता और इमाम की आवाज़ लोगों तक नहीं पहुंच सकती, तो ऐसी सूरत में किसी को मुकबर मुकर्रर किया जा सकता है जो इमाम की तकबीरात लोगों तक पहुंचा सके। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है, उन्होंने फरमाया कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्ज़े वफ़ात में मुब्तला हुए तो आपके पास हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हो नमाज की इत्तला देने के लिए आए। आपने फरमाया, अबू बकर से कहो वो लोगों को नमाज पढ़ा दें। मैंने अर्ज़ किया कि अबू बकर एक नरम दिल आदमी है, अगर आपकी जगह खड़े होंगे तो रोने लगेंगे और किरात पर कादिर नहीं होंगे। आपने फरमाया, अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हो से कहो कि वो नमाज पढ़ाएं। मैंने फिर वही अर्ज़ किया तो आपने तीसरी या चौथी मर्तबा फरमाया, तुम तो यूसुफ अलैहिस्सलाम वाली औरतों की मिसल हो, अबू बकर से कहो कि वो लोगों को नमाज पढ़ाएं। चनाचा हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हो ने नमाज पढ़ाना शुरू की तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम दो आदमियों के सहारे बाहर तशरीफ़ लाए। गोया मैं इस वक्त भी आपकी तरफ ही देख रही हूँ कि आपके दोनों पांव ज़मीन पर घिसटते जाते थे। जब हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हो ने आपको देखा तो पीछे हटने लगे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम ने इशारे से फरमाया कि नमाज पढ़ाते रहो, लेकिन अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हो कुछ पीछे हट गए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम इनके पहलू में बैठ गए। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हो लोगों को आपकी तकबीरात सुनाते थे।